एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से। एक्चुअली पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने वर्ड समझ लिया तो समझे आपने सब कुछ समझ लिया। सही है। अब आपको पहले टॉपिक क्लियर करना होता है कि वर्ड का मतलब क्या है। पहले सिस्टम का मतलब क्या? हमें पता है कि हमारे अंदर बहुत से सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत से सिस्टम्स हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि वो सिस्टम्स भी कुछ ऑर्गन्स के बने होते हैं। ऑर्गन, जब बहुत से ऑर्गन मिलते हैं और एक कोई भी एक मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम। कोई भी मेन वर्क परफॉर्म करते हैं सब साथ में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? सिस्टम। अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है? एक्चुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। पहले वर्ड समझ लें। एक्सक्रीटरी है ना, तो इसमें ये लिया कहाँ से गया है? ये एक्सक्रीट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एक्सक्रीट से लिया गया है। एक्सक्रीट का आपने बहुत सी बात पर एक्सक्रीट तो पढ़ा होगा। एक्सक्रीट का मतलब क्या है? एक्सक्रीट का मतलब है रिमूव। क्या? रिमूव। एक्सक्रीट का मतलब है रिमूव करना, किसी भी चीज को रिमूव करना। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रिमूवल होता है किसका? रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। देखिए, जो मैं अंडरलाइन वर्ड कर रही हूँ वो मेन है। पहला रिमूवल, दूसरा वेस्ट, तीसरा कौन सा? बॉडी। सही है। देखिए, अब मैं कहती हूँ कि आप रिमूव करके आए। आप सोचेंगे क्या रिमूव करके आए भाई? मैं कहूँगी वेस्ट प्रोडक्ट। आप कहेंगे आप घर का रिमूव, जो डस्टबिन होता है वो, उसका कचरा रिमूव करके आओ, या कौन सा वेस्ट? मैं कहूँगी फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम योर बॉडी। सही है। रिमूव करो वेस्ट तुम्हारी बॉडी से। रिमूव, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम रिमूव करते हैं हमारा वेस्ट हमारी बॉडी से। सही है। क्या करते हैं? रिमूव करते हैं हमारा वेस्ट हमारी बॉडी से, गंद जिसे हम कहते हैं, गंद। ठीक है। अब ये क्या है? ये है दोनों बीन शेप। क्या है? बीन्स मोस्टली आपने खाए होंगे, बड़े मज़ेदार होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। सही है। बीन्स खाए होंगे, तो बीन जो है वो किडनी के शेप में, या किडनी जो है वो बीन्स की शेप में। सही है। किडनी एक बीन शेप है। सही है, एक बीन शेप है। किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन होती है। क्या होती है? किडनी का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन। रेड होता है और ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन जिसे हम कहते हैं। सही है। किडनी का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन। वेरी गुड। ओके, अब किडनी में होता क्या है? किडनी में होता है ब्लड, हमारा ब्लड। क्या होता है? किडनी में होता है ब्लड। ब्लड इस किडनी में भी होगा, तो इस किडनी में भी होगा। ब्लड तो दोनों किडनी में होगा। तो जब ब्लड दोनों किडनीज में होता है, तो आपको खुद को बताए कि कोई भी चीज़ होगी तो उसका वेस्ट, उसका खराब मटीरियल कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ वेरी माइन्यूट पर होगा जरूर। सही है। अब देखिए, यहाँ पे ब्लड है। ब्लड वैसे तो बहुत अच्छा है, साफ है, ठीक है, पर गंद भी होता है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें खराब होती हैं, तो वो साफ कौन करेगा? वो साफ करती है हमारी किडनी। इनका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना। फिल्टर करती है किसको? ब्लड को। ब्लड को फिल्टर करना इनका काम है। सही है। देखिए, हम जब पानी पीते हैं, हम कहते हैं प्लीज साफ पानी दीजिएगा। सही है। हम साफ पानी क्यों कहते हैं? हम साफ पानी कहते हैं कि हमें जो डिजीजेस काज ना हो। खराब पानी से डिजीज काज होती है ना, तो वो साफ पानी आता कहाँ से है? वो प्रोसेस से आता है, बहुत से प्रोसेस से गुजरता है, फिर हमें साफ पानी मिलता है। तो फिल्ट्रेशन हम कहते हैं उस प्रोसेस को। किसको? जब पानी हमें गंद, खराब पानी से साफ प्योर वाटर मिलता है, तो हम उसे फिल्टर
के प्रोसेस से गुजार के फिर मिलता है। इसी तरह किडनीज में क्या होता है, किडनीज में फिल्टर करती है, किडनी फिल्टर करती है किसको, पानी को नहीं ब्लड को, किसको, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को। अब भाई किडनी ने फिल्टर किया ब्लड को, बात समझ में आ गई। अगर फिल्टर किया तो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ गया, खराब प्रोडक्ट कहाँ गया, खराब प्रोडक्ट जाएगा इन दो ट्यूब्स में, ये और इस दोनों ट्यूब्स में, सही। अब आप सोच रहे हैं कि जो खराब प्रोडक्ट होगा वो शायद खाने की शेप में बड़ा बॉल स्ट्रक्चर होगी, या तो वो एक पत्थर की तरह मोटे मोटे या गोल गोल स्ट्रक्चर होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ से जो रिमूव निकलता है, ब्लड से निकल रहा है ब्लड, सही है, तो यहाँ पे एक फ्लूइड निकलता है, सही है, फ्लूइड निकलता है रिमूव, जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, वो होता क्या है, वो होता है यूरिन, सही है, क्या होता है, हमारा यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वो आता है इन दो ट्यूब्स में, और इन दो ट्यूब्स को हम कहते क्या है, इन दो ट्यूब्स को हम कहते हैं यूरेटर्स, यूरेटर्स, यूरेटर्स जिसे हम कहते हैं, सही है। यूरेटर्स के बाद वो यूरिन या वो खराब मटेरियल कहाँ जाएगा, वो हमारा जाता है यूरिनरी ब्लडर के पास, सही, देखिए गौर से कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लडर के पास। भाई यूरिनरी ब्लडर क्या है, यूरिनरी ब्लडर में हमारा जो जो यूरिन है, सही है, जो हमारा यूरिन है वो जमा होता है। देखिए जब हम पानी पीते हैं ना, तो हम अब पानी हमने पिया, हम डायरेक्टली नहीं आ जाता कि हमें सुसू करने जाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सही है, बाय द टाइम जब तक ये फुल फिल नहीं होता तब तक हम नहीं जाते, सही है। अब इतना पानी है, मिसाल ये नहीं है, ये क्या है, इतना पानी है, अब हम नहीं जाएंगे, अगर इतना पानी है तभी भी हम नहीं जाएंगे, इतना पानी है तो थोड़ा थोड़ा फील होगा कि हमें जाना चाहिए, अगर यहाँ तक पानी आ गया वी हैव टू गो, सही है, यूरिन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सही है, यूरिन को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जब यूरिन जो है उसने हमारे यूरिनरी ब्लडर को फिल कर दिया तो हमें इमरजेंसी पे जाती है, हमें वॉशरूम में जाना है, भाई हमें वॉशरूम में जाना है, क्यों, ये जो है इमरजेंसी विकास करता है, हमें क्या कहता है, यूरिनरी ब्लडर हमारी यूरिन के बारे में बताता है जब हम वॉशरूम में जाते हैं, सही है, ये है क्लोएका, सही है, ये क्या है, क्लोएका, क्लोएका का काम क्या होता है, क्लोएका हमारे यूरिन को निकालती है, हमारी बॉडी से निकालती है। ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर से थोड़ा रिव्यू कर दूं, अब मैं जस्ट याद होके बताती हूँ आपको, खुद आप वीडियो को रोकें और खुद में पढ़ें कि मैंने जो बताया आपको याद हो गया, अब मैं बताती हूँ। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज होती हैं, किडनीज, ओके, और वो होती क्या है, वो रेडिश ब्राउन होती हैं, सही है, रेडिश ब्राउन होती हैं, हाँ मुझे याद है, रेडिश ब्राउन होती, उनका काम क्या है, सही है, उन दो किडनीज का काम होता है फिल्टर करना ब्लड, सही, याद है मुझे, ठीक है, फिल्टर करना किसको, ब्लड को। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट था इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो कहाँ जाएगा, वो दो यूरेटर्स में जाएगा, सही है, मुझे याद है ये भी, कहाँ जाएगा, दो यूरेटर्स के पास। अब वो यूरेटर कहाँ, यूरेटर से जब पास हो गया वो कहाँ जाएगा, बैग स्ट्रक्चर होगी जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लडर, क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लडर, उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा फिर जब वो यूरिनरी ब्लडर फिल हो जाएगा तो वो क्लोएका के थ्रू निकल जाएगा, क्या मैंने सही बताया, चलो चेक करते हैं, ये किडनीज है, ठीक है, रेडिश ब्राउन थी मैंने बता दिया, फिल्टर करती है ब्लड को मैंने बता दिया, बीन शेप्ड है ये भी बता दिया, किडनीज है ये भी बता दिया, अब यूरिन के फॉर्म में नीचे ब्लड जाता है ये भी बताया, यूरेटर्स हैं ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, ये सब देखिए, मुझे तो पांच जल्दी से याद हो गया, शायद आपको भी याद हो गया होगा, अगर याद हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो समझ नहीं आई तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको ठीक तरीके से समझ आ जाए।